नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको करवाया था पार्ट 9, चिड़िया आई पानी पीने। जैसे कि हमने इस कविता में देखा था कि हमने चिड़िया को कैसे मिट्टी के बर्तन में पानी पिलाया है, क्योंकि गर्मी के दिनों में सभी को ठंडे पानी की आवश्यकता होती है, चाहे पशु हो, पक्षी हो या फिर इंसान हो, सबको ठंडा पानी पीना अच्छा लगता है। इसी के चैप्टर को, कविता को मैंने आपको पिछली कक्षा में करवाया था। आज की कक्षा में हम इसके कॉपी पार्ट को करने वाले हैं। कॉपी पार्ट में हम देखेंगे कि सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आता है श्रुति लेख का, लेकिन उससे पहले आप पाठ का नंबर और पाठ का नाम लिखोगे। और सबसे पहले प्रश्न में आप लिखोगे श्रुति लेख, सूरज मात्राओं का ध्यान रखते हुए, चमक, आसमान, धरती, ठंडा, मिट्टी, थाली, गर्मी, महीना, पानी। उसके बाद प्रश्न दो है शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ में सबसे पहले है हमारे पास सूरज, सूरज का होता है सूर्य, आसमान आकाश, ठंडा शीतल, धरती धरा। प्रश्न तीन है हमारे पास वाक्य पूरे कीजिए, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सूरज डैश चमक रहा है। कैसे चमक रहा है? चमचम, तो हम लिखेंगे सूरज चमचम चमक रहा है। आसमान में डैश रहा है, क्या रहा है? दमक रहा है। प्यासी सिरती डैश रानी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्यासी सिरती चिड़िया रानी। उसे चाहिए डैश पानी, कैसा पानी चाहिए उसे? ठंडा ठंडा पानी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ठंडा। लाओ ना डैश की थाली, तो हम यहाँ पे कौन सी थाली का प्रयोग कर रहे हैं? मिट्टी का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिट्टी की थाली। भर दो उसको डैश रानी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? भर दो उसको कौन भरेगा? गुड़िया रानी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड़िया रानी। अगला प्रश्न है हमारे पास सही वे गलत का चिन्ह लगाइए, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सूरज धरती पर चमक रहा है, तो ये वाक्य क्या है? गलत है, सूरज धरती पर बमक रहा है। प्यासी चिड़िया को ठंडा पानी चाहिए, तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है, इसीलिए हमने इसके आगे सही का निशान लगाया है। तीन नंबर पे हम लिखेंगे गर्मी के महीने गर्म होते हैं, क्या ये सही है? गर्मी के महीने गर्म होते हैं, तो ये एकदम सही है, गर्मी के महीने गर्म होते हैं, इसलिए ये वाक्य सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न पांच, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। सूरज क्या कर रहा है, तो हमें बताना है कि सूरज क्या कर रहा है, चमक रहा है या दमक रहा है, तो हम लिखेंगे चमक रहा है।